ये वाला ट्रायंगल जो होता है, ये होता है डिलीवरी के नज़दीक का सेंटम। इस बकरी के हमने पीछे से बाल क्यों काट दिए, आप सभी लोगों का सवाल होगा कि पीछे से इसके बाल जीरो। वेलकम बैक टू साबरी गोट फॉर्म। बकरी के ट्रायंगल शेप आ गया है और उस ट्रायंगल शेप को कैसे पहचाने। बकरी के गड्ढे नरम हो गए हैं, वो नरम गड्ढे कौन से होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इन गड्ढों को देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं वो इन गड्ढों को देखते हैं, लेकिन ये गड्ढे नहीं होते डिलीवरी वाले। डिलीवरी वाले जो गड्ढे होते हैं वो अलग होते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी मैं बताऊँगा। पेट पर बन गया है ट्रायंगल। जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला ट्रायंगल जो होता है, ये होता है डिलीवरी के नज़दीक का सेंटम। इस बकरी के हमने पीछे से बाल क्यों काट दिए, आप सभी लोगों का सवाल होगा कि पीछे से इसके बाल जीरो क्यों कर दिए, इसके पूंछ पे फुहारा क्यों बना दिया। तो सारी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। टॉपिक आज का अपना यह है, जो मैंने अपने सारा आपको अभी जो बता दिया है, बकरी डिलीवरी के बस नज़दीक है, 2-3 दिन के अंदर बच्चा दे देगी, और आगे करना क्या है वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बकरी के डिलीवरी के नज़दीक जो दिन ऐसे होते हैं, होता ऐसा है हमारी बकरी बच्चा देने वाली है, हम बाहर जाने वाले हैं, कब देगी पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप पता लगा सकते हैं कि हमारी बकरी इस दिन भी आएगी। तो आप उस दिन अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आज मुझे बकरी के पास से नहीं हटना है, क्योंकि आज के दिन मेरी बकरी डिलीवरी देगी, लेकिन कल मैं जा सकता हूँ कहीं भी। तो ऐसा परफेक्ट शेड्यूल आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, अभी हमारे पास जो है डिलीवरी के लिए ये बकरी है, और इसके आर्डर अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, आर्डर से इसके आर्डर में दूध नहीं आया, ठीक है। अब आर्डर में दूध नहीं आया इसका मतलब क्या, बच्चा नहीं देगी? नहीं। हालांकि कुछ बकरियों में प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम है जेनेटिक्स प्रॉब्लम, मतलब पैदाइशी खानदानी उसकी प्रॉब्लम है कि वो डिलीवरी के बाद दूध नहीं उतारती है, ठीक है। डिलीवरी के बाद दूध नहीं उतारती, तो कब उतारती है वो? डिलीवरी के बाद जो दूध उतारती है वो उतारती है अगले दिन, ठीक है। या यूं सोच कह लीजिए कि मतलब डिलीवरी के तीसरे दिन, हालांकि तो दूसरे दिन दे जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस बकरी के पेट का शेप कैसा है, बिल्कुल डाउन टू जा रहा है, ठीक है ना, नीचे की साइड झुकाव में आ रहा है, नीचे मेरी उंगली के इशारे से देखिए ये वाला, ठीक है, तो ये जा रहा है। अभी हम इसके ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल इसका आपको दिख भी रहा होगा कि ट्रायंगल कितना है। ट्रायंगल अब आपको दिखा, हालांकि खा रही है पी रही है, ट्रायंगल भी इसका दिखाई दे रहा होगा, पेट भी इसका ठीक ठाक है भरा। ये है ट्रायंगल, मतलब तिकोना त्रिभुज आकार इसके पेट पे बनना शुरू हो गया, और यह डिलीवरी के नज़दीक है। ये बकरी गड्ढे क्यों करती है? बकरी गड्ढे इसलिए करती है, अब देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ से प्रॉपरली हो गया है गड्ढा, यहाँ से भी प्रॉपरली हो गया। अब ये बच्चा कब देगी? नहीं, अभी नहीं देगी। क्यों? देखिए ये गड्ढा भी फ्री होना चाहिए और ये गड्ढा भी फ्री होना चाहिए। जब यहाँ पे बीच में जो दो मसल होंगी, ये अगर नहीं है रिली, ये अगर पिघली नहीं है, टूटी नहीं है, तो बच्चा नहीं देगी बीचम बीच, समझ गए ना। हाँ, अब देखिए भर गए गड्ढे, यानी कि मतलब यहाँ से ये मसल, अभी ये मसल यहाँ से टूटना इसका बाकी है। तो ये हो गया एक पहला पॉइंट। अच्छा, गड्ढे क्यों होते हैं? गड्ढे की पहचान ये होती है कि बकरी के बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, इसलिए बकरी ने अपने गड्ढे करना शुरू कर दिए हैं, उसके मसल रिलैक्स हो रहे हैं। बच्चेदानी का मुंह दो ही जगह पे खुलता है, एक जब वो हीट पर होती है और एक जब वो बच्चा देने वाली होती है। जब बच्चा देने वाली होती है, जब वो मुंह खुलने की तैयारियां होने लगती हैं, तो उसके मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके पूंछ पे गड्ढा होने लगता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और एक प्रोसेस और मैं बता दूं, बकरी हीट पे और डिलीवरी के नज़दीक जब होगी तो पूंछ का भी आकार कुछ ऐसा होगा, जो डाउन पूंछ होती है या इरेक्ट पूंछ होती है, बिल्कुल वो ऐसी नहीं होती, उसका आकार ही कुछ अलग होता है। इसकी पूंछ देख लीजिए, वो देखिए वो बकरी डाउन करके बैठी खड़ी है, वो सामने बकरा जो है वो इरेक्ट करके खड़ा है, ठीक है, लेकिन इसकी थोड़े अलग ही डिफरेंट में है। तो सेकेंडली मेरे दो टॉपिक हो गए, ट्रायंगल जो होता है वो चौथे नहीं 5वें महीने में बनना शुरू होगा, ठीक है, और
बकरी के अडर जो हैं अभी दूध से नहीं भरे और डिलीवरी के आज 3 तारीख है, 3 मार्च, और जो 10 मार्च को इसकी डिलीवरी डेट है, तो ये 10 तारीख को नहीं बच्चा देगी, देगी तो अभी देखिए किस तरह से इसने कराया और इसने दर्द की आवाज़ सी निकाली। वो क्यों, बकरी जब बैठ जाती है तो बच्चों की वजह से इसका डायफ्राम जो होता है वो दब जाता है और जिसकी वजह से बकरी को सांस लेने में दिक्कत होती है। बकरी को जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो बकरी इस तरह से आवाज़ें निकालती है, ठीक है ना। तो बकरी अब खा पी के बैठ गई, रिलैक्स फील करेगी, उसने जितना उसको खाना था उसने खा लिया, और अब इसका जो है दूध कब आया का थनों में, मैं इसकी डेट मान रहा हूँ 5 मार्च, मतलब आज के 2 दिन बाद। आपको ऑर्डर देख के लग रहा होगा नहीं भी आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और 7-8 तो बस मुश्किल से पहुँचेगी, लेकिन 10 नहीं होगी। और अगर भाई इसने इन दिनों में अगर वो रिलैक्स नहीं करे, अपने मसल गड्ढा नहीं करा, तो ये 12 भी ले सकती है, लेकिन फिर कुछ अद्भुत नया ही नमूना लेकर के आएगी। अगर इसने लंबे दिन खींचे, लंबे दिन खींचने की पहचान है बच्चा हेल्दी होना या बच्चे ज़्यादा क्वांटिटी में होना, ये 2 से ज़्यादा क्वांटिटी में होना या बच्चे हेल्दी होना। अगर एक होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, लेकिन मैं इसके बच्चे हेल्दी नहीं मान रहा ज़्यादा, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है 2 से अधिक। अगर लंबे दिन लिए या अधिक दिन लेने पे बच्चा एक होगा तो फिर हेल्दी होगा, ठीक है ना। तो गड्ढे बता दिए क्यों होते हैं, कब होते हैं, किस तरह होते हैं, ट्राइंगल कौन से टाइम में बनता है वो मैंने आपको बता दिया। अडर में दूध जो आएगा वो बच्चा देने से 3 दिन पहले आना शुरू हो जाएगा। अभी आप कहेंगे कि 5 को बच्चा देगी, आज तो 3 तारीख है, 2 में दूध आ जाना चाहिए था, नहीं, मैक्सिमम डेज जो होते हैं वो 3 दिन के अंदर दूध थोड़ा 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 थोड़ा, अभी इसमें है दूध करीबन आधा कप आ चुका है पीला दूध, लेकिन जो भराव जो होता है दूध का वो 8 घंटे पहले, 4 घंटे पहले भी भर जाते हैं थन दूध में। अभी समस्या मैं बता तो रहा हूँ, मेरी वीडियो आई है रिसेंटली, आप जाके देख सकते हैं। बकरी के अगर अडर में दूध नहीं आया डिलीवरी के बाद, तो ये हमारे बकरी को विटामिन्स की कमी, अदर बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से नहीं उतर के आता है, तो इसकी जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी मानी जा सकती है, कुदरती इसका कोई इलाज ही नहीं है। बस कोशिश कर सकते हैं, ठीक हो गई ठीक, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इसकी बकरी के, हमारे अल्लाह के शुक्र से कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसकी बकरी जो थी पटिया हैदराबादी, उसके साथ हुआ था, डिलीवरी दे दी बच्चा ने और दूध नहीं उतारा, और फिर बकरी ने अगले दिन दूध उतारा था, तो पहले दिन बच्चा भूखा रहा था और इसने अपनी नानी का दूध पिया था, हालांकि उसे भी पीला दूध नहीं मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इंशाल्लाह पूरी वीडियो पूरे सिस्टम से डिलीवरी करवाएंगे इसकी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बकरी ने अगर गड्ढे कर दिए तो ही वो बच्चा देगी, अन्यथा नहीं देगी। दूध सूखे ग्याबन करवाने के बाद या ना सूखे ग्याबन करवाने के बाद, बकरी आपकी ग्याबन है, दूध सूखे ना सूखे छोड़ दो, भूल जाओ, दूध दे रही है तो पीते रहो या उसके बच्चों को पिलाते रहो, दूध को इग्नोर कर दो। मैं अब भी यही बात कहूँगा, अगर बकरी जब तलक गाढ़ा मेला डाल रही है ग्याबन के बाद, तो वो बकरी ग्याबन है। जहाँ उसने पतला डाला तो मुझे कॉल मत करो कि सर बकरी ने पतला मेला डाला है, समझ जाओ बकरी खाली हो चुकी है या ग्याबन हो ही नहीं थी, तो उसको ग्याबन करवा दो। पतले मेले पर मुझे कॉल मत करो, गाढ़ा मेले पर मुझे कॉल मत करो, डायरेक्ट आप देखो, गाढ़ा मतलब ग्याबन, पतला मतलब खाली, बात ही ख़त्म यार। अब कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी बकरी खाली है या क्या बन है या क्या है, ठीक है ना, आप मेरी बात को प्रॉपरली समझ गए। दूसरी बात, इस पे भी गोल मत करो कि मेरी बकरी 3 महीने की ग्याबन है, दूध नहीं सुखाए, अरे ना सुखाए, मत सुखाए, पीते जाओ भाई अगर दूध दे रही है, वरना बच्चों को पिलाते जाओ, वरना डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो, पब्लिक की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूध सूखे, इन चीज़ों को इग्नोर करो कि मेरी बकरी ने गड्ढे नहीं करे, मेरी बकरी ने दूध नहीं सुखाया, मेरी बकरी ने जो है और क्या था यार, मेला डाल रही है गाढ़ा, इग्नोर करो, ये सारे जो हैं नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस जब नहीं होगा जब वो पतला मेला डालेगी, अब वो खाली है, बकरे को दिखाओ भाई, मुझे कॉल करोगे मैं भी एक हूँ, बकरे को दिखाओ, आपको मैंने बता दिया वीडियो में बकरी मेला डाल रही है पतला, तो खाली है, बकरे के पास ले जाओ, अब आप मुझे कॉल करोगे कि भाई मेरी बकरी ने पतला मेला डाला है, इसका मतलब क्या है, मैं कहूँगा खाली, अब आप कहेंगे क्या करूँ, मैं कहूँगा बकरे को दिखाओ, आपको ठीक है फ़ायदा, तो इससे बेहतर पतला और गाढ़े का मतलब समझिए, ठीक है।
हाँ, इनके जो ब्रीडर हैं, ब्रीडर साहब, वो भी फुल-फुल हरकतों में आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा दूर रखेंगे और उनको थोड़ा बांध के रखेंगे, क्योंकि अगर जैसे ही कुछ टाइम के बाद में, लगभग कुछ टाइम मतलब बोले तो तकरीबन 2.5 महीने की उम्र होगी इसकी, 2.5 और 2.5 5, तकरीबन 5 महीने में बोल जाएगी, 2.5 महीने के बाद में बोल जाएगी। छोटी नस्ल की बकरी है, जल्दी बोल जाती है, हार्मोन्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि इसका शरीर का ग्रोथ वो तो हो जाता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी ही बकरी रहती है ये। ए, चल यहाँ से चल, छोटा ही ग्रोथ रहता है, तो बहुत जल्दी इसका ग्रोथ हो जाता है। तो अगर ये बाई चांस क्रॉस हो गई, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इतनी जल्दी क्रॉस हो, कोशिश से कोशिश करूँगा जब तक इसका शारीरिक विकास एकदम परफेक्ट ना हो जाए, मैं इसे क्रॉस ना करवाऊँ। बकरी को बेहतर है 2 दांत पे क्रॉस करवाएं। बड़ी नस्ल अगर आपके पास है, बड़ी नस्ल, बड़ी नस्ल, हैदराबादी, सोजत, पंजाबी, 4 दांत पे करवाओ, फिर उसका रिजल्ट देखना। खैर, आज का अपना टॉपिक यही था, बकरी का ट्राइंगल, अडर का दूध सूखना, पूंछ पे गड्ढे पड़ना, गाढ़ा पतला पे और डिस्चार्ज डालना, बच्चा कब देगी, 5-6 टॉपिक एक ही वीडियो में निपटा दिए हैं। ठीक है ना, नहीं वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और मेरी आई होप मुझे आपकी आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।